हेलो गाइस, वेलकम इन माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं मटर छोला रेसिपी। इसे बनाने के लिए हमें मटर को पहले से ही 2 से 3 घंटे के लिए भिगाना पड़ता है, जो हमने भिगा के और इसको उबाल के तैयार कर लिया है। ये देखिए, सबसे पहले हम 2 से 3 कप मटर ले लेंगे। इसको 2 से 3 घंटे के लिए भिगा के रख देंगे और इसमें हम बॉयल करते समय काली बड़ी इलायची, 2 से 3 पीस लौंग और 1 दालचीनी का टुकड़ा और काली मिर्च 2 से 3 पीस डाल के इसको हम 4 से 5 सीटी लगा लेंगे और सोयाबीन को भिगा के साफ़ करके अच्छी तरह से निचोड़ के रख लेंगे। इसके बाद हम इसमें अदरक और लहसुन को घिस के रख लेंगे और 2 बड़ी प्याज काट के बारीक रख लेंगे और टमाटर 2 बड़े टमाटर को हम पेस्ट 2 बड़े टमाटर का पेस्ट बना के हम रख लेंगे इसको। अब एक पैन में तेल गरम करेंगे। इसमें पहले हम अपने सोयाबीन को फ्राई कर लेंगे। अब इसमें सोयाबीन डाल के और इसको फ्राई कर लेंगे अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक। इसको फ्राई करके हम इसको अलग रख देंगे। ये इसको हम बाद में डालेंगे। इसके लिए सोयाबीन हमारा अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाए तब तक हमको इसको भूनना चाहिए। अब हम एक कढ़ाई में तेल गरम करेंगे। 3 बड़े चम्मच सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल में। ये रेसिपी ज़्यादा टेस्टी बनता है इसलिए मैंने इसे मस्टर्ड ऑयल में ही बनाया है। तेल को गरम कर लेंगे। फिर इसमें 1 चुटकी जीरा डाल देंगे। जीरा जब तक हमारा अच्छे से भून ना जाए तब तक इसको हम भूनेंगे। जीरा जब हमारा अच्छे से भुन जाए तब इसमें हम जो प्याज काट के रखे थे उसको डाल देंगे। अब हम प्याज को अच्छी तरीके से चला के गोल्डन ब्राउन होने तक तलेंगे, फ्राई करेंगे। इसे ये सब प्रोसेस हमें मीडियम फ्लेम पर करना है। प्याज को हम बीच बीच में चला चला के भून लेंगे। अब इसमें अदरक और लहसुन का जो पेस्ट बना के रखा था अब उसको डाल देंगे। अब इसको भी हम अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे। धीमी आंच पे भूनने पे मसाला हमारा बहुत ही टेस्टी, जितना मसाला हमारा जितना भी अच्छा से भुनेगा उतनी ही रेसिपी हमारी टेस्टी बनेगी। इसीलिए हम हमेशा हमको मसाले को धीमी आँच पर ही भूनना चाहिए। दोस्तों, थोड़ा टाइम तो लगता है मगर इससे सब्जी में टेस्ट अच्छा आता है। अब हम इसमें 2 बड़े तेज पत्ता डाल लेंगे। इसका फ्लेवर भी अच्छा आता है छोले में। इसको हम ऐसे चला चला के धीरे धीरे भूनते रहेंगे। जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाए तब इसमें हम 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे। हल्दी को पहले ही भूनना चाहिए, नहीं तो बाद में इसका कच्चापन जो रहता है वो अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए मसाले में सबसे पहले हल्दी को भूनना चाहिए। फिर उसके बाद टमाटर प्यूरी डाल देंगे हम अपना। टमाटर डालने के बाद और मसाला हम डाल के भून सकते हैं, उससे नहीं दिक्कत होती, मगर हल्दी को पहले ही भूनना चाहिए। अब हम टमाटर को अच्छी तरह भूनेंगे। जब तक मसाले हमारा तेल ना टमाटर छोड़ने लगे तब तक हम इसको धीमी आंच पे धीरे धीरे भूनते रहेंगे चला चला के। अब हम इसमें 2 बड़े चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे। और 1/2 चम्मच जीरा पाउडर डालेंगे। और 1/2 चम्मच ही गरम मसाला डालेंगे। अब हम इसमें एक चम्मच छोला मसाला डालेंगे। इन सभी मसालों को अच्छी तरह से, एक चम्मच छोला मसाला डालकर अभी इन सभी मसालों को हम अच्छी तरह से चला चला कर भूनेंगे। कम से कम मसाला भूनने में हमें 4-5 मिनट लग सकता है, पर जब तक मसाला हमारा अच्छे से भून ना जाए,
जब मसाला हमारा अच्छे से भुन जाएगा तो इसकी क्वांटिटी देखने में कुछ कम लगेगी। अब इसमें हम अपना जो मटर उबाल के जो हमने रखा था पहले से ही, अब उसको डाल देंगे। आप चाहे तो मटर उबालने के समय जो खड़े मसाले यूज किए थे, आप चाहे तो उनको निकाल के भी रख सकते हैं अलग से, या फिर उसी में रहने देते हैं। उसी में रहने से ये होगा कि उसका फ्लेवर और अच्छे तरीके से आएगा। गरम मसालों का जो फ्लेवर होता है दोस्तों, वो बहुत ही अच्छा लगता है। अब इसमें हम आधा चम्मच नमक डाल देंगे। अब इसको अच्छी तरह से चला के 2-3 मिनट तक ऐसे ही पकने देंगे। जब 2-3 मिनट तक ऐसे ही पकने के बाद हम इसमें अपना सोयाबीन डालेंगे। सोयाबीन डालने के बाद इसको अच्छी तरह से फिर से मिक्स कर लेंगे, ताकि मसाले, मटर और सोयाबीन सब एक अच्छे से मिक्स हो जाएंगे, सब फ्लेवर एक में मिक्स हो जाए अच्छे से। तभी हमको इसमें पानी डालना चाहिए। इसे थोड़ी देर ऐसे पकने दें। अब हम इसमें 1 गिलास पानी डालेंगे, या फिर जितना आपको इसमें जूस पसंद हो उतना पानी डाल सकते हैं अपने हिसाब से। मैं इसमें 1 गिलास पानी डाल रही हूँ। अब इसे ढक के कुछ देर के लिए पकने दें। और बीच बीच में इसे ऐसे चला चला के देखा करें। देखिए दोस्तों, अब ये हमारा छोला बन के तैयार है। ये बहुत ही टेस्टी बनता है। इस तरह से आप ज़रूर एक बार बना के देखिएगा। देखिए, हमारा बन के तैयार हो गया छोला। आप ज़रूर इसे ट्राई करिएगा और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा ये कैसा लगा आपको, ये रेसिपी पसंद आई। कृपया मेरे चैनल को ज़रूर से लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।